नमस्कार, नजर करिए सांझ न्यूज सुपरफास्ट पर। अरबी समुद्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने कारण 13 और 14 नवंबरे सामान्य की मध्यम वरसाद की आगाही। 13 नवंबर ने कारण मोरबी राजकोट जामनगर में पड़ी सके वरसाद। 14 नवंबरे बनासकांठा पोरबंदर और कच्छ में वरसाद की आगाही। राजकोट में पड़धरीना मोवैया गामे खेडूतोए खेतर में मगफळी और मगफळीना पोतरा सळगावी मार्या। मावठाथी नुकसान बाद तेना निकाल माटे नाणा न होवाथी खेडूतोए उपाड्युं पगलुं। 15 वीघा जमीन में पथरायेला मगफळीना पथारा सहितनो भूक्को खेडूतोए सळगाव्यो। तो साबरकांठा में कमोसमी वरसादथी कोबीज और फुलावरना पाकने नुकसान। प्रांतिज और आसपासना गामों में 1 लाख हेक्टर जमीन में फुलावर कोबीजना रोपाड़ो नाश। तंत्र द्वारा पण नथी अपाय रह्युं ध्यान। कमोसमी वरसादथी खेडूतोने नुकसान। राज्य सरकारे आपी छे सहायनी बाहेधरी। खेडूत मुद्दे कोंग्रेसना राज्य सरकार पर प्रहार। सर्वे नहीं थतो होवानो कोंग्रेसनो आक्षेप। भगवान स्वामीनारायण द्वारा लखायेला वचनामृत ने 200 वर्ष पूर्ण थता खेड़ाना वड़ताल खाते योजायो वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव। 51 फूट ऊंची और 71 फूट पहोळी वचनामृतनी बनावाय प्रतिकृति। कार्यक्रम में मोटी संख्या में भक्तों कर्या दर्शन। खेड़ाना वड़ताल में द्विशताब्दी वचनामृत कार्यक्रम में मुख्यप्रधान रूपाणी आपी हाजरी। सीएम ना हस्ते वचनामृत प्रदर्शन स्थल खुल्लू मुकायुं। वड़ताल में सीएम रूपाणी संबोधन करता कहूं कि वचनामृत मानवी ने जीवन जीवानी दिशा बतावे छे। वधुमां कहूं कि नवा वर्ष में गुजरात समृद्ध और सलामत राज्य बने अने तेवा आशीर्वाद प्राप्त थशे। अयोध्या चुकादा ने मुख्यप्रधान रूपाणीए गणावी मोटी घटना। रूपाणीए कहूं कि देश ने ऐतिहासिक दिवस और ऐतिहासिक चुकादो मळ्यो। आ चुकादाए तमाम देशवासियों ने स्वीकारो तेनाथी सोनामां सुगंध भळी। वड़ताल में वचनामृत महोत्सव में प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अमित चावड़ा रहा हाजर। अमित चावड़ाए संतोना लीधा आशीर्वाद। चावड़ाए कहूं कि अयोध्या निर्णय ने बधाई। द्विशताब्दी महोत्सव में कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ाए कर संबोधन। कहूं नवा वर्ष प्रारंभे पवित्र धरती पर आवानी मड़ी तक। अतिवृष्टि ने लईने चावड़ाए कहूं कि खेडूतों पर पगभर था तेवा प्रयासों अहींथी शुरू करिए। મહેસાણામાં અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક મહાસંઘનું અધિવેશન। નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિન પટેલ રહ્યા હાજર। તેમણે અયોધ્યા ચુકાદાને ગણાવ્યો ઐતિહાસિક। કહ્યું કે વર્ષો જૂની લડાઈ પૂર્ણ થઈ। 22 નવેમ્બરે દિલ્હી ખાતે ગીર સોમનાથ ટ્રસ્ટની યોજાશે બેઠક। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ બેઠકમાં રહેશે હાજર। ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ કેશુભાઈ પટેલ સહિત 7 સભ્યો બેઠકમાં આપશે હાજરી। गुजरात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्डे मंजूरी आपता विश्वनु प्रथम सीएनजी टर्मिनल भावनगर में बनशे। रूपया 1900 करोड़ खर्चे यूके स्थित फोरसाइट जूथ अने मुंबई स्थित पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप करशे मूड़ीरोकाण। केंद्रीय मानव संसाधन प्रधान रमेश पोखरियाल निवेदन। आगामी डिसेम्बर में शिक्षण नीति बनावानी तजवीज हाथ धराशे। समग्र देश में 2 लाख लोग पास थी सलाह सूचनों मंगावाया। पोखरियाले मेहसाणा गणपत यूनिवर्सिटी ने लीधी मुलाकात।